उसका एक साइंटिफिक रीजन है, उसमें कोई पॉइजनस मधुमक्खी भी हो सकती है, जब आप उसको गर्म करते हैं तो बिल्कुल ही पॉइजन हो जाती है, इट शुड नॉट बी हीटेड, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग व्हाट्सएप पे सुन गया, वैसे भी गर्म पानी में सुबह उठ के शहद पीते हैं पतले होने के लिए, ये भी कंट्राइंडिकेटेड है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ग्रोथ, अगर आप गर्म और ठंडी चीज़ों को एक साथ लेते हैं जैसे दूध और मछली, दिस इज वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इमीडिएटली स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेशेंट्स को। पोस्ट ग्रोथ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कम खाना देते हो आप और उसका पोस्ट है, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उसका पेट साफ नहीं होगा, आप कहोगे उसको फिर गोली प्रिवाफेन ले लो या ये ले लो, वो कुछ होना ही नहीं है। बेसिकली उसको जो डाइट चाहिए, जौ का दलिया चाहिए, दिस इज़ वेरी गुड ऐसे पेट के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है और जिनका क्रूर को ड्राई समझ है ना जिनका। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली एक ऑयल का एनीमा होता है, वो क्लीन कर सकता है इसको अच्छे से, अंदर इंटेस्टाइन में ऑयलीनेस क्रिएट कर सकता है, बिना किसी मेडिसिन के आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है क्रोर कोस्ट, यानी कि आपका ड्राई वो है कोस्ट और आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग भी सैलेड दे रहे हो, सिर्फ नो घी नो ऑयल। जो आपकी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग ही आप खाना नहीं ले रहे। जैसे अगर आपको, मैंने पहले बताया ये, अगर कोई कफा पर्सन है, कोई बेड रिडन पेशेंट है और उसको मैं कंटिन्यूसली मैं कहूँ कि इसको आलू पूरी दे दो या हलवा दे दो, वो डाइट उसके लिए ठीक नहीं है। और एक साइड कोई रेगुलर जिम करके आया है, दो घंटे जिम उसने किया है और उसको सिर्फ सैलेड्स की डाइट, ये गलत डाइट है। नेक्स्ट है ग्राम ग्रोथ, ये कॉमन सबको पता ही है। खाने के बाद अभी मैंने बताया जैसे गर्म पानी और दही रात को नहीं खानी चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, और गर्म पानी चाय के बाद ठंडा पानी या कॉफ़ी के बाद नहीं पीना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आप घी वाली खाते हैं, पूड़ियाँ वगैरह कुछ भी फ्राइड खाते हैं, तो उसके बाद भी ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। और किसी भी खाने को अगर आप गलत फ्यूल से पकाते हैं, कुकिंग फूड विद बैड फ्यूल, या अंडर कुकिंग करते हैं या ओवर कुकिंग करते हैं, जैसे आजकल ब्रेड खाने का बड़ा शौक है, दिस इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक, स्टडी आई है, इवन माइक्रोवेव कुकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, तो उसको भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए।